फ्रेंड्स नमस्कार, मैं आपका अपना हरीश मुंबईकर आज फिर नए ब्लॉग के साथ हाजिर हो गया हूँ। और आज का मेरा ब्लॉग है मुंबई का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, नेशनल पार्क के नाम से जो जाना जाता है, काफ़ी पुराना ये पिकनिक स्पॉट है जहाँ के लोग बस शेयर करने घूमने फिरने आते, शेर की सफारी देखने आते। यहाँ काफ़ी टाइगर है और क्रेरी की गुफाएं है, गार्डन है, ट्रेन है, बहुत कुछ अंदर देखने लायक है। तो मैं आज आपको इस जगह शेयर करा रहा हूँ जो कि मुंबई की बहुत शानदार बहुत फेमस जगह है, मुंबई संजय गांधी उद्यान या बोलो तो नेशनल पार्क। आइए मेरे साथ नेशनल पार्क की जर्नी की और वेलकम। आ गया घूमने पिकनिक मनाने, सबके हाथ में बैग है, थैले हैं, नाश्ता खाना पानी कोल्ड ड्रिंक सब कुछ लेके आए हैं साथ से घर से, ताकि अंदर जाके एंजॉय कर सके, फुल डे का पिकनिक मना सके। यही खासियत है संजय गांधी नेशनल पार्क की। अभी अप्रैल का महीना है, गर्मी काफी है और स्कूलों की छुट्टी पड़ी नहीं है अभी तक, इसलिए आज बच्चों की क्राउड कम दिख रहा है। जैसे कि ये मेरे सामने गार्डन दिख रहा है, ये झूले वगैरह दिख रहे हैं, पर बहुत लिमिटेड बच्चे दिख रहे हैं क्योंकि धूप के कारण और स्कूल चालू होने के कारण बच्चे कम आए हैं गार्डन में, वरना बच्चों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे झूले खाली पड़े हैं, बहुत कम बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि धूप काफ़ी है। इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं और 12 बजे मतलब काफ़ी धूप होती है, सर पे धूप होती है। वो तो यहाँ घना जंगल घने पेड़ होने के कारण छाँव है, वरना नहीं तो कोई इतना 12 बजे धूप में चल नहीं सकते। मेरी भी देखो सांस चढ़ रही है चलते चलते, क्योंकि काफ़ी दूर काफ़ी लंबा लंबा ये चलने के लिए। जहाँ तुम्हारा मन आए वहाँ पिकनिक मनाओ। पिकनिक का मतलब यही होता है कि जहाँ चार यार मिले, चार फैमिली वाले मिले, वहाँ बैठ के झुंड बना के गाने गाना मस्ती करना जो भी करना हो, हाँ उसी को कहा जाता है पिकनिक। तो ये है पिकनिक स्पॉट। ये बचपन में हम लोग आते थे तो काफ़ी घूमते थे ट्रेन में, ये ट्रेन पूरे बड़े गार्डन का इलाके में घुमाती है, हमें काफ़ी बड़ा राउंड लगाती है। अभी एक दो महीने पहले ये गार्डन खोला गया है पब्लिक को दिखाने देखने के लिए, घूमने के लिए, शेयर करने के लिए, क्योंकि पता है आपको कि सारे गार्डन सारी टूरिस्ट प्लेस बंद थे 2 साल से। तो उनका कहना है कि जो रेल की पटरी है उसमें जंग लग गई है, ट्रैक काफ़ी बिगड़ चुके हैं ताकि कोई हानि नहीं हो, जब तक नई ट्रैक नहीं बनेगी तब तक इसमें सारे नदी तालाब हिरण शेर जो भी देखना है वो ट्रेन में बैठे देख सकते हैं हम। ये देखिए इसी ट्रेन से यही नज़ारा ट्रेन का भी है। तो दोस्तों कैसी रही मेरी आज नेशनल पार्क की जर्नी, यहाँ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की जर्नी? होप आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि ये मुंबई की सबसे खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, काफ़ी फेमस जगह है। होप आप सभी को अच्छी लगी ही होगी। तो इसी तरह से मैं और आपको मुंबई घुमाता रहूँगा, मेरे संग शेयर करते रहिएगा। शेयर कर जब भी करोगे तब आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और पसंद आए तो शेयर भी जरूर करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। नमस्कार, आपका अपना हरीश मुंबईकर।